हेलो गाइस, वेलकम टू दीजिए मीडिया न्यूज़। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एवेंजर एंड गेम के काफी कमाल के अपडेट के बारे में। तो फाइनली आपको मैंने काफी टाइम पहले एक अपडेट दिया था कि एवेंजर एंड गेम 3 घंटे से लगभग हो सकती है पॉसिबिलिटी, क्योंकि रूसो ब्रदर्स ने हमें पहले भी एक अपडेट दिया था कि हम आपको एवेंजर एंड गेम में काफी ज्यादा खुश कर देंगे क्योंकि इस मूवी की रनिंग टाइमिंग होगी 3 घंटे की। बट इससे रिलेटेड काफी कमाल का अपडेट ये आया है कि इसकी अभी रनिंग टाइमिंग की और 3 घंटे की टेस्टिंग हुई थी जो कि ग्रेट निकली। जी हाँ, कहने का मतलब ये है कि इसकी इन्हीं कहीं से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई। 3 घंटे का पार्ट कोई भी बोरिंग नहीं बताया जा रहा है और इस मूवी को हर सीन में काफ़ी अच्छा बताया गया है। तो यानी कि ओवरऑल जो पूरी 3 घंटे की टेस्ट स्क्रीनिंग थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी, यानी कि वो आपको 3 घंटे में हर सीन पर मज़ा आने वाला है एवेंजर एंड गेम में। और देन रूसो ब्रदर्स ने जो बोला था, फाइनली मुझे लग रहा है कि वो प्रॉमिस उनका साबित हुआ। अब बस ये देखते हैं कि इंडिया में जब सेंसर बोर्ड में ये आएगी मूवी तो प्लीज़ कोई सीन कट ना हो, क्योंकि 3 घंटे के लिए हमारे लिए ये मूवी बहुत मायने रखती है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो कैसा लगा अपडेट? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको कुछ वीडियो पसंद आगे तो लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे हो या तो उस पर ब्लैक वीडियो के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय, जा रहा हूँ।